और बात करते हैं उस चंद्रयान की जो चंदा मामा के पास पहुंचेगा और वहां किस तरीके से असीम संभावनाएं हैं उनको तलाशेगा। फैट बॉय किस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन को आसमान में लेते हुए चांद तक पहुंचेगा, हम उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। धड़कने बढ़ने लगी हैं क्योंकि महज 2 मिनट के आसपास का वक्त बचा है जब चंद्रयान 3 अपनी असीम क्षमताओं के साथ आसमान में उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा। और जिस तरीके से 2:35 पर चंद्रयान 3 आसमान में उड़ेगा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर 200 के आसपास स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया नजर लगाकर बैठी है क्योंकि इससे पहले चांद पर कोई पहुंचा नहीं। हिंदुस्तान एक बार ये 2020 में परीक्षण कर चुका है और पूरा हिंदुस्तान उस रात जाग रहा था जब रात के 12 बजे के आसपास चंद्रयान 2 के सिग्नल मिलने बंद हो गए। वो बस चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था और उससे पहले सिग्नल ब्रेक होते हैं, उम्मीदें टूटती हैं। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर नई उम्मीदों का जन्म होता है और वो नई उम्मीदें इस वक्त श्रीहरिकोटा में उड़ान भरने को तैयार है। ये 2 मिनट से कम का वक्त, काउंटडाउन शुरू और 24 घंटे के आसपास का एक काउंटडाउन था। धड़कन एक बार फिर से बढ़ी क्योंकि हिंदुस्तान का फैट बॉय चंद्रयान को आसमान की तरफ बहुत तेजी से लेकर जाएगा। लिक्विड इंजन में ईंधन भरा जा चुका है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन भरा जा चुका है और रॉकेट की रफ्तार जिस गति से ये चांद की तरफ बढ़ेगा वो गति होगी 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे की। हालांकि शुरुआती दौर में गति थोड़ी धीमी रहेगी क्योंकि जैसे जैसे चांद के कक्षा में ये चंद्रयान 3 प्रवेश करेगा गति बढ़ती चली जाएगी। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग उड़ान से 1 मिनट गवाह बनने के लिए पहुंचे। -40 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और ये इतिहास बनता हुआ आसमान में जिस अंदाज में चंद्रयान 3 ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, रफ्तार लगभग 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और उसके साथ जिस तरीके से फैट बॉय आसमान में चंद्रयान 3 को तेजी से ले जाता हुआ मानो पूरा विश्व इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। आसमान को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 जिस अंदाज में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि रफ्तार लगभग 6,437 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और 108 सेकंड के बाद ये रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा और रॉकेट की रफ्तार 6,437 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी और लिक्विड इंजन सबसे पहले अलग होगा और उसके बाद जब ये रॉकेट बढ़ता हुआ 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो दोनों बूस्टर रॉकेट इससे अलग होंगे और रॉकेट की रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। यह अपने आप में एक इतिहास फिर से हिंदुस्तान रचता हुआ चांद पर अपना सिग्नेचर करने के लिए यह रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ता हुआ तिरंगा लहराने के लिए यह रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ता हुआ और जिस चांद को हम दीदार करने के लिए हर शाम को आसमान की तरफ देखते हैं उस चांद पर यह रोवर हमारा लैंड होगा और वहां की मिट्टी से लेकर, वहां की खुशबू से लेकर, वहां की हवा से लेकर, वहां की नमी से लेकर,
वहाँ जीवन है या नहीं, सबको परखेगा, वहाँ सबसे पहले उतर कर अपनी सेल्फी लेगा। और ये श्रीहरिकोटा से वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान के लिए कमिट इतिहास को रचते हुए 2020 में हम लगभग इतिहास लिखने के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम क्षणों के अंदर हमें मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार यकीनन ऐसा नहीं होगा, इस बार हम चांद पर पहुंचेंगे और चांद पर पहुंचकर तिरंगा लहराएंगे। The core stage has also commenced its operation. और ये तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि 62 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और दोनों बूस्टर रॉकेट अलग हो चुके हैं। और इसके बाद जो रफ्तार, वो रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उस रफ्तार के साथ घटनाक्रम के अनुसार चंद्रयान 3 आसमान की तरफ बढ़ता हुआ, चांद की तरफ बढ़ता हुआ, बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। पृथ्वी के कक्षा से बाहर की तरफ निकलते हुए चंद्रयान 3 23 अगस्त या 24 अगस्त को यह चांद की सह को छुएगा, तिरंगे को लहराएगा, सेल्फी लेगा और फिर वो तस्वीर हम तक पहुंचाएगा जो तस्वीर पूरी दुनिया देखना चाहती है। एक एक करके चरण पूरे होते हुए और यान आगे की तरफ बढ़ता हुआ, हिंदुस्तान पहला वो देश होगा जो चांद के दक्षिण ध्रुव की तरफ लैंड करेगा, क्योंकि अभी तक चांद का दक्षिण ध्रुव करीब 1600 किलो न्यूटन किसी ने देखा नहीं है। एक दिन के आसपास चांद के ऊपर चंद्रयान 3 फोटो खींचेगा, निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, वहां मानो कैटवॉक करेगा। लेकिन ये एक दिन चांद के ऊपर बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ का एक दिन और चांद का एक दिन यानी कि हमारे यहाँ के 14 दिन दक्षिण ध्रुव पर 14 दिन के बराबर का एक दिन होता है। अंधकार बहुत ज्यादा होता है और इसलिए दक्षिण ध्रुव को अभी तक कोई देख नहीं पाया चांद के ऊपर। और लेकिन हमारा ये चंद्रयान तीन फैट बॉय की मदद से उसे देखेगा जरूर, क्योंकि इस बार जो प्रोपेलर लगाए गए हैं उनकी क्षमता ज्यादा है, ईंधन ज्यादा है, ईंधन की कैपेसिटी ज्यादा है।